भाइयों बहनों, आप सभी लोगों के सहयोग से बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने के लिए ये चौकीदार दिन रात कोशिश कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा है। भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना के तहत तो इसका फायदा सबको हुआ, सबका लोगों को बिजली मिले तो इसका फायदा भी हर एक को मिला। भाइयों बहनों, बीमारी भी किसी को आती है और बीमारी कभी जात पात बिरादरी नहीं पूछती है। भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज भी हर एक गरीब को मिल रहा है। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी ऋण भी आज लोगों को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, हमने बाबा साहब के बताए रास्ते पर तो काम किया ही है, उनको देश के इतिहास में वो सम्मान देने का प्रयास भी किया है जिसके बाबा साहब अभिधान थे। बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को हमारी सरकार ने पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का हमने पूरा प्रयास किया है। आज पुरियानी दुनिया के लोग बाबा साहब की स्मृति में बने इन पंचतीर्थों पर जाकर के बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। साथियों, बाबा साहब के साथ जो किया गया वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे, एक महान नीति निर्माता थे, एक महान लेखक थे, एक महान कानूनविद थे। जिन सामाजिक परिस्थितियों में बाबा साहब ने इतनी ऊंचाई हासिल की वो असाधारण थी, वो अभूतपूर्व थी। एक बड़ी वजह रही कि कांग्रेस बाबा साहब को कभी राजनीति का वो दौर भी देखा जो बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की बात कहते कहते उन्हें भी धोखा दे दिया। बदलती थी राजनीति, बदलने के लिए निकले थे लेकिन उन्होंने भी अपना नारा बना लिया है, सबसे पहले परिवार और बाद में रिश्तेदार। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की दुख तकलीफें उन पर जो गुजरी सब भुला दिया है। पश्चिमी यूपी में कितना बड़ा पाप हुआ था, पूरा देश इसका गवाह रहा। कैसे महान बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे लोगों को अपना घर अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, ये देश ने देखा है। जब पश्चिमी यूपी चल रहा था, मासूम लोग मारे जा रहे थे, तब उसके पीड़ितों की आवाज को
अनसुना करने वाला कौन था, कौन था जिसने गुनहगारों को बचाया, कौन था जिसने इंसाफ के लिए तब उत्तर प्रदेश सरकार से कितनी ही मिन्नतें की लेकिन किसी ने सुना नहीं। भाई आपसे मेरी प्रार्थना है आप शांत रहिए। आप लोग शांत रहेंगे क्या? देखिए आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, लेकिन अगर आप ऐसे ही हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, मोदी मोदी करते रहेंगे, तो बाकी जो लाखों लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरी बात मानेंगे? मानेंगे? आपको तकलीफ है मैं जानता हूं, जगह कम पड़ गई है, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। मैं 2014 में भी यहां आया था, ऐसी रैली तब भी नहीं देखी। तो मैं बोलना शुरू करूं, आप इजाजत देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूं क्यों करूंगा रहूंगा। बोलना शुरू करो, ये जो ऊपर है नीचे आ जाओ भाई, जो ऊपर है नीचे आ जाओ। देखिए कोई हादसा हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, ये लोग जमीन से इतना कट चुके हैं कि इन्हें पता भी नहीं कि इनके स्वार्थ को यहां के लोग पूरे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। साथियों, जिस उत्तर प्रदेश में चाय की दुकान पर सरकारें बनती हो, गिर जाती हो, उसे समझने में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भूल कर गए हैं। उत्तर प्रदेश 2014 में इन्हें बता चुका है कि जाति की स्वार्थ भरी राजनीति लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। उत्तर प्रदेश ने 2017 में फिर ने बताया कि जाति की स्वार्थ भरी राजनीति नहीं, सबका साथ सबका विकास चाहिए। इस बात का पता तो सपा बसपा दोनों को ही, लेकिन वे सच्चाई स्वीकारना नहीं चाहते। अगर सच्चाई ही स्वीकार कर ली हो तो इनकी दुकान पर ताला नहीं लग जाएगा। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इसी बार के चुनावी नतीजे इन्हें अलीगढ़ से ताला खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे। भाइयों बहनों, बीते 3 दिनों में आप सभी ने नोटिस किया होगा कि किस चौकीदार को कैसी गाली देने की कॉम्पिटिशन चल पड़ी, कैसी गाली देने का माहौल ज्यादा बढ़ गया है। महामिलावट के सारे कलाकार मोदी पर टूट पड़े हैं। आखिर 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ, किसी को पता है? साथियों, दरअसल पहले चरण के बाद इनके लिए अब टिकना मुश्किल हो गया है कि इनको पूरा पता चल गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, साथियों, दरअसल ये आप पराजय के कगार पर आकर के खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोकसभा में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, जो 40 सीट पे चुनाव नहीं लग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं,
आप अलीगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आतंकवाद हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी चाहिए थी या नहीं? हमारे वीर जवानों को खुली छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? आपके चौकीदार ने ठीक किया? आपके चौकीदार ने ठीक किया? भाइयों और बहनों, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद हटना चाहिए, लेकिन महामिलावट वाले कहते हैं मोदी हटना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? इससे उनका तो राजनीति चलेगी, देश का भला होगा क्या? देश का भला होगा क्या? भाइयों बहनों, सिर्फ एक बार उस समय के बारे में सोचिए, एक पल भर के लिए सोचिए। अगर ये जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या एयर स्ट्राइक किया, अगर मानो उसमें छोटी सी चूक हो जाती है, छोटी सी चूक हो जाती और हमें मोदी की चमड़ी उधेड़ लेते कि नहीं, मोदी के बाल नोच लेते कि नहीं, मोदी को परेशान करते कि नहीं करते? लेकिन बाद में क्या होगा मोदी का, ये सोच करके निर्णय करना चाहिए क्या? अरे मोदी अपनी कभी सोचता नहीं है, मोदी सिर्फ देश की सोचता है। इनकी हर हरकत का अंदाज मुझे था, लेकिन ये मेरा निश्चय था कि अब देश में थे आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ना जरूरी है। साथियों, बीजेपी और इस चौकीदार पर इस विश्वास का कारण स्पष्ट है। 5 वर्ष के विकास का इतिहास और आने वाले 5 वर्ष में विकास की नई आशा। मोदी का मिशन है आतंकवाद को हटाना, भ्रष्टाचार को हटाना, बीमारी को हटाना, गरीबी को हटाना। आप बताइए साथियों, आतंकवाद को खत्म करना है कि नहीं करना? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं उस सपनों को लेकर के आगे चल रहा हूं और मुझे उसमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपके आशीर्वाद है। और मैं आपको बता दूं, अब तक मैं जो कर पाया हूं वो आपके आशीर्वाद के कारण कर पाया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाई बहनों, स्थानीय उद्योग, विशेषकर कुटीर उद्योगों के लिए ध्यान रखते हुए सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकारी कंपनियां अपनी 25% आवश्यकता एक कुटीर उद्योग से उन और छोटे उद्योगों से खरीदेंगे। ये हमने नियम बनाया है। इसका सबसे बड़ा लाभ कि हमारे सबसे बड़ा लाभ हमारे इन
छोटे छोटे कुटीर उद्योग वालों को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, हमने सरकार में एक जैम योजना बनाई है, जीईएम। इस जैम योजना के तहत अगर कोई छोटा सा घर में भी कुछ बनाने वाला अगर वो उसमें रजिस्ट्री करवाएगा तो सरकार बिना बिचौलिए उनसे भी सामान खरीदेगी और गरीबों को लाभ। भाइयों बहनों, हमने सबसे बड़ा सपना देखा है, वो सपना है एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने का। ये डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, हमारी सेना के लिए सारे शस्त्रों का उत्पादन यहीं पर होगा और इसका सबसे बड़ा लाभ अलीगढ़ को मिलने वाला। और इसलिए भाइयों बहनों, उसी प्रकार से हम जैसे उद्योगों को बल दे रहे हैं, हम हमारे किसानों को भी बल दे रहे हैं। हमारे किसानों के लिए हमने अनेक योजनाएं की, लेकिन अभी भी बजट में हमने हमारे देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा करने की दिशा में हमने सफलतापूर्वक काम किया है। 3 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में जमा हो चुका है और जो बाकी है उनका भी अभी जमा होने वाला है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं आज अलीगढ़ की धरती से उत्तर प्रदेश वासियों को एक विश्वास देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ने मुझे एमपी बनाया, उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। भाइयों बहनों, लेकिन मेरे दिल में एक सपना, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतने बड़े शक्तिशाली लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में जो स्थान मिलना चाहिए ये यहां की राजनीति ने बनना नहीं दिया है। जातिवाद की राजनीति ने नहीं बनना दिया। दुनिया में चेन्नई की चर्चा होती है, बेंगलुरु की चर्चा होती है, मुंबई की चर्चा होती है, अहमदाबाद की चर्चा होती है, मेरे उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश सबसे आकर्षण का केंद्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा ताकतवर राज्य एक हाशिए में पड़ा रहेगा क्या? ये हमें मंजूर है क्या? मैं उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में, देश की समाज व्यवस्था में सबसे नंबर एक पर लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश को कृष्ण और राम के जमाने में जो सम्मान था वो सम्मान फिर से लाना चाहता हूं मैं। और ये सम्मान के लिए मुझे आपकी ताकत चाहिए, मुझे आपकी ताकत चाहिए। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ हैं, इस चौकीदार के साथ हैं, आपको चौकीदार के काम से संतोष है, चौकीदार सही दिशा में चल रहा है। मैं संकल्प है करोगे, सबकी आवाज नहीं आ रही है करोगे, जो बैठे हैं उनकी भी आवाज आनी चाहिए, जो खड़े हैं उनकी भी आनी चाहिए, जो दूर दूर है उनकी भी आनी चाहिए। आएगी क्या? पूरी ताकत से बोलोगे? देखिए, जब मैं नारा बुलवाऊंगा तो आप सबने मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मुझे जवाब देना है
चौकीदार के साथ है यूपी, चौकीदार के साथ है यूपी। बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे? चौकीदार के साथ है यूपी। बोलेंगे बोलेंगे? काले धन के खिलाफ लड़ाई में, काले धन के खिलाफ लड़ाई में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई में, पाकिस्तान को धूल चटाई में, आतंकियों की कुटाई में, गुंडा माफिया की विदाई में, देश का गौरवगान कराने में, भारत का मान बढ़ाने में, सेना को शक्तिशाली बनाने में, जात पात की दीवार गिराने में, मजबूत सरकार बनाने में, पूर्ण बहुमत दिलाने में, 2000 के रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए, भाइयों बहनों आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम।